हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और जैसे स्टूडेंट्स की हमारा कंपनी अकाउंट चल रहा था, कंपनी अकाउंट्स में अब तक हमने 3 पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे आई टैब पर जाएं, आपको वहाँ पर तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। पहला पार्ट मेरा मैंने जो बनाया है वो है कंपनी अकाउंट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगी। सेकंड पार्ट में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंट्रोडक्शन, या ये कहें कि क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो हमने सेकंड पार्ट में सीखा। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे तो उसमें हमने कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट और इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, वो तीनों चीज़ें हमने थर्ड पार्ट में कवर किया। आज फोर्थ पार्ट करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहले एक बात को समझ लेना जरूरी है कि ये जो शेयर इशू करती है कंपनी, शेयर इशू करने के पीछे कंपनी का पर्पज क्या है। कंपनी शेयर इशू करके जो पैसा मिलता है वो कंपनी की कैपिटल का पार्ट बनता है, और उस कैपिटल का यूज कंपनी बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इन सभी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए करती है। ठीक है, इससे पहले जो हमने सीखा है पर्पज ऑफ इशू ऑफ शेयर मीन्स शेयर इशू करने के पीछे कंपनी का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है, कंपनी शेयर इशू किस लिए करती है। तो इसमें दो पर्पज होते हैं, एक तो होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ये आपने अब तक सीखा है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक से बदले में क्या लेती है, कैश। इस कैश से कंपनी की कैपिटल फॉर्म होती है और उस कैपिटल का यूज कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है, कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए किया जाता है। बट एक और पर्पज है, वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी शेयर इशू करके ये पैसे प्राप्त करती है पब्लिक से और उससे फिर एसेट्स खरीदती है। एक दूसरा तरीका ये है कि मार्केट में अगर कोई वेंडर, कोई सप्लायर जो एसेट्स में डील करता है, वो हमें हमारे बिजनेस को अपनी एसेट्स देकर बदले में इन फॉर्म ऑफ पेमेंट हमारे कंपनी के शेयर्स लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो हम वहां पर भी शेयर इशू करके बदले में फिक्स एसेट्स परचेज कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे और भी पर्पज हो सकते हैं, लाइक हमें यहाँ पर कोई एसेट्स मिल जाती है उसके बदले शेयर इशू कर दें, या हमारे कंपनी के प्रमोटर हैं जिन्होंने हमारी कंपनी को प्रमोट किया है। प्रमोट करने का मतलब है कंपनी के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेशन की सारी स्टेजेस उन्होंने फुलफिल किया, तो इसके बदले हमें जो फीस देना है उसे हम प्रमोशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंस कहते हैं, उसके लिए भी हम शेयर इशू कर सकते हैं। या फिर अंडर राइटर्स को हमने शेयर इशू किए इन फॉर्म ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, वो सब कुछ इसमें कवर होता है। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट कंपनी अकाउंट को डीपली समझना है, बहुत डीपली समझना है, और चाहते हैं कि कभी लाइफ में आपको कंपनी अकाउंट से रिलेटेड किसी भी इशू में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और जितनी भी वीडियोज मैं कंपनी अकाउंट्स में यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करते तो गारंटी लेता हूं कि आपको कंपनी अकाउंट्स में किसी भी लेवल पे, वो चाहे आपका 12th लेवल हो, बीकॉम हो, या फिर सीए या सीएस लेवल हो, किसी भी लेवल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप ध्यान से लास्ट तक देखें। आज हम करेंगे ये टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, ये टॉपिक हम कर चुके हैं और आगे भी यही करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे रेगुलर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, उसमें ऑल ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य, अन्य अदर पर्पज के लिए शेयर्स इशू करना, वो इस टॉपिक में कवर होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमने कोई बिजनेस के लिए इंडिविजुअल एसेट्स खरीदा है तो हम क्या एंट्री करते हैं, व्हेन एंड इंडिविजुअल एसेट्स इज परचेस्ड। अगर हम अपने बिजनेस के लिए कोई इंडिविजुअल एसेट्स का मतलब कोई एक सिंगल एसेट्स खरीदते हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तो हम एंट्री का क्या करेंगे, यहां पर उस एसेट्स का नाम लिखेंगे, सनरी एसेट। सनरी एसेट्स का मतलब यहां पर अगर आपने बिल्डिंग परचेस किया तो आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और अगर आप मशीनरी नगद खरीदते हैं तो यहाँ कैश या बैंक अकाउंट लिखते, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर हमारा शेयर्स का चैप्टर है तो यहाँ पर फुल पेमेंट हमारी नगद पेमेंट कवर नहीं होगी, क्योंकि फिर शेयर्स की बार शेयर्स का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए अभी हमने जब इसे परचेज किया तो यहाँ लिखेंगे वेंडर अकाउंट, वेंडर का मतलब होता है सेलर। तो अगर आपको क्वेश्चन में वेंडर का नाम दिया हुआ है कि हमने एक्स लिमिटेड से एक मशीनरी खरीदा है, तो आप एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। ये तो बात हुई एक इंडिविजुअल एसेट, सिंगल एसेट खरीदने की। अब अगर मान लो हमने पूरा बिजनेस परचेज कर लिया है तो क्या एंट्री करेंगे, व्हेन Entire means whole business. Is purchased. मतलब हुआ कि हमने किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया। रनिंग बिजनेस खरीदने का मतलब है कि हमने उसकी सारी एसेट्स एज वेल एज सारी लाइबिलिटीज भी परचेज कर लिया है, तो क्या एंट्री करेंगे वो भी आप समझें। सनरी एसेट अकाउंट डेबिट, यहां पर उन सारी एसेट्स को अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग नाम दिया हुआ है तो आपको उनके नाम से डेबिट करना है। जैसे हमने किसी का बिजनेस खरीदा, उसमें हमने बिल्डिंग परचेज किया, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सारी एसेट्स के अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो आप अलग अलग उनके नाम लिखेंगे, मीन्स बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट। तो सारी एसेट्स को आप डेबिट करोगे, क्यों, क्योंकि जब हमारे बिजनेस में कोई एसेट्स आती है या एसेट्स बढ़ती हैं तो हम बढ़ाने के लिए उन्हें डेबिट करते हैं एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पर थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ दिया, और साथ ही हमने क्या परचेज किया है, उस पर्सन की लाइबिलिटीज, तो टू सनरी लाइबिलिटीज अकाउंट। अब लाइबिलिटीज भी आपको इंडिविजुअली लिख देना है अगर दे रखा है तो, मीन्स टू क्रेडिटर अकाउंट, टू बिल्स पेबल या बैंक लोन, कोई भी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अब उसकी सारी लाइबिलिटीज हमारी लाइबिलिटी बन गई, और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। तो सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सनरी लाइबिलिटीज अकाउंट।
और जो भी हमारा परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ कि हमने उसके बिजनेस को खरीदा है तो हमें उसे कितना पेमेंट करना है, तो जितनी भी हमें पेमेंट करना है हम उतनी ही अमाउंट से वेंडर अकाउंट मीन सेलर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसमें हमें क्या दिखाना है, परचेज कंसिडरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने मिस्टर एक्स का बिजनेस परचेज किया है, 5 लाख रुपीज की एसेट्स हैं एंड 2 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज हैं। हमने मिस्टर एक्स का बिजनेस परचेज किया जिसमें 5 लाख की एसेट्स हैं और 2 लाख की लाइबिलिटी, तो हमें एज पर रूल वेंडर को कितना पेमेंट करना चाहिए, 5 लाख की एसेट्स में से आपने उसकी लाइबिलिटीज बियर करनी है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ठीक है हम आपकी लाइबिलिटीज पे कर देंगे। इसका मतलब ये लाइबिलिटी के पैसे हमें एसेट्स की अमाउंट से डिडक्ट कर लेने हैं, घटा देने हैं। क्यों? क्योंकि हमने एसेट्स के साथ साथ उसकी लाइबिलिटीज की जिम्मेदारी ले ली, इसकी लाइबिलिटीज अब हमें पे करनी पड़ेगी। तो हमें वेंडर को कितने पैसे देने चाहिए, हमें वेंडर को देना चाहिए 3 लाख रुपीज। ठीक है, ये तो हमारे हिसाब से ये लॉजिक बनता है। बट मान लीजिए वो कंपनी कहती है कि वो 3 लाख रुपए में अपना बिजनेस नहीं बेचेगी, उसका कहना है कि वो 4 लाख रुपए से कम नहीं लेगा, वो 4 लाख रुपए की जिद करता है और स्टिल हमें उसका बिजनेस फिर भी प्रॉफिटेबल लग रहा है, हम उसके बिजनेस को 4 लाख रुपए में परचेज करने के लिए रेडी हो गए, तो ऐसा क्यों? हम उसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमें अगर वहां पर कोई बेनिफिट नजर आ रहा है, बेनिफिट किस फॉर्म में कि उस पर्सन की मार्केट में एक अच्छी गुडविल है, हमें बिजनेस परचेज करने के बाद हमें कोई मेहनत नहीं, एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑलरेडी उसकी गुडविल है मार्केट में, उसके नाम से कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे या आते रहेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ जो डिफरेंस डेबिट में 1 लाख रुपए कम आया उसे हम दिखा देंगे कि ये 1 लाख रुपए जो हमने एक्स्ट्रा दिए हैं वो हमने उसके गुडविल के दिए हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस मैंने जगह छोड़ी थी यहाँ दिखा देंगे गुडविल अकाउंट, और ये क्या है, ये तो बैलेंसिंग फिगर है जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। हमने क्या किया, टोटल क्रेडिट का अगर ज्यादा है और डेबिट का कम है तो डिफरेंस जो डेबिट में आया उसे हम गुडविल मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पे किए वो उसके नाम उसके रेपुटेशन के पे किए। ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन। अब एक अदर सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए कि डिफरेंस डेबिट में नहीं है, मान लीजिए कि डिफरेंस डेबिट में नहीं है, हमने बिजनेस परचेज किया है, 5 लाख की एसेट्स हैं, 2 लाख की लाइबिलिटी, हमें उसको 3 लाख रुपए देना चाहिए। बट हमने उससे जब डील किया हमने उसे बोला कि भाई हम आपके बिजनेस के बस 2 लाख रुपए दे सकते हैं क्योंकि आपकी एसेट्स पुरानी हो चुकी है, इन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, इसलिए हम आपको 2 लाख रुपए दे सकते हैं। अब अगर वो कहता कि नहीं 2 लाख रुपए तो ज्यादा कम हो गया, एक काम करो आप 2.5 लाख रुपए हमें दे दो। अब 2.5 लाख रुपए हमने उसकी बात मान लिया और हमने डील कर लिया 2,50,000 में। अब आप जरा देखिए, हमें एसेट्स तो मिली है 5 लाख की, उसमें से 2 लाख की लाइबिलिटी अगर हम लेस लेस कर दें, घटा दें, हमें 3 लाख रुपए फिर भी देना चाहिए, बट हम उसे देने के लिए कितना रेडी हुए, 2,50,000, मतलब कि 2.5 लाख रुपए। तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, प्रॉफिट क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है 50,000 का, ये हमारे लिए एक फायदा है, प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का, इसलिए हम इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये भी हमारे लिए क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है कि हमें ये अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, ये तो हमने बैलेंस के रूप में निकाला है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर एक बात ध्यान रखना है और उस ये स्टार मैंने लगाकर उस बात को मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर कि ओनली वन आइटम
appear एट अ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार लगा है, स्टार का क्या मतलब है कि या तो किसी क्वेश्चन में गुडविल बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकलेगा या फिर कैपिटल रिजर्व, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ये तो बात हुई किस चीज की, कि हमने पूरा बिजनेस खरीदा है या इंडिविजुअल बिजनेस या इंडिविजुअल एसेट्स खरीदा है, ये तो बात हो गई खरीदने की। अब हम बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट में समझिए, अब एक और एग्जांपल ले लें। यहां पे मान लीजिए ये तो हो गए बिजनेस खरीदने की, एसेट्स खरीदने की। अगर हमने प्रमोटर से कुछ सर्विसेज लिया है, प्रमोटर कौन होता है, वो पर्सन जिसने हमारे बिजनेस को प्रमोट किया। प्रमोट करने का मतलब हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया, शेयर इशू करवाए, प्रोस्पेक्टस छपवाया, उसने सारा काम किया। ऐसा काम कौन करता है, मार्केट में बैठे प्रोफेशनल्स जो इस काम के एक्सपर्ट हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज। तो कंपनी सेक्रेटरी हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उन्हें इस चीज की वेल इंफॉर्मेशन है, दे आर द एक्सपर्ट। तो हमने उनकी सर्विसेज लिया है तो हमें उन्हें भी पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर हम एंट्री करते हैं, या वो केस में आपको सेपरेट बता देता हूं, पहले मैं आपको इसी चीज को अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब हमने बिजनेस खरीद लिया, चाहे सिंगल एसेट खरीदा हो या पूरा बिजनेस खरीदा हो, बट हमें वेंडर को तो पेमेंट करना पड़ेगा। वेंडर को हमें कितना पेमेंट करना है, 2,50,000। अब इसकी पेमेंट की बात करते हैं, इसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको इसकी पेमेंट के बारे में बताता हूं। मान लीजिए यहां पर हमारी पेमेंट की बात आती है, फॉर पेमेंट। अब पेमेंट की बात आई तो यहां पर हमारे पास पेमेंट करने के तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन क्या क्या हैं, या तो हम पूरे 2,50,000 वेंडर को कैश पेमेंट कर दें, बट अगर हम यहां पर कैश पेमेंट कर देते हैं तो फिर इस कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स का तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो यहां पर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको पूरी की पूरी कैश पेमेंट के बारे में नहीं लिखा होगा। ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि 10% और 20% और 25% पेमेंट इज मेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो अगर हमने कुछ पेमेंट नगद कर दिया है, इफ सम पेमेंट इज मेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ पेमेंट हमें बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करना है, तो हम क्या करेंगे, वेंडर हमारे लिए क्रेडिटर है, एक लाइबिलिटी है, और वेंडर को जब पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी घटेगी, इसलिए लाइबिलिटी को घटाने के लिए हम करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लीजिए 20% पेमेंट हमें करना है नगद, तो वेंडर को टोटल कितना पे करना था, 2,50,000, इसका 20% 50,000 हमने वेंडर को नगद पे कर दिया अपने बैंक से। तो बैलेंस अमाउंट हमें, अब बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 2,00,000 रुपीज, जो कि हमें पे करना है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर नोट कर लेना। नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर आप स्टॉप करके इसे कर सकते हैं। मैं आपको अब बताता हूं कि अगर हमें वेंडर को पेमेंट शेयर्स में करना है तो उसके लिए हम क्या एंट्रीज करेंगे।
अगर वीडियो आपको सही अच्छी लग रही है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब देखिए मैं बताता हूँ कि अब बैलेंस पेमेंट अभी हमें वेंडर को 2 लाख रुपए की करना बाकी रह गया है। तो फॉर पेमेंट बाय इशू ऑफ शेयर्स, अब अगर हमें पेमेंट तो करना है वो भी शेयर इशू करके, तो कंपनी दो तरीके से अब शेयर इशू कर सकती है। ओल्ड कंपनीज एक्ट में हमारे पास 3 ऑप्शन थे, आइदर शेयर कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, बट अब न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग या तो हम शेयर्स एट पार इशू कर सकते हैं। एट पार का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का अगर शेयर है और उसे हम 100 रुपए में ही इशू करें तो उसे कहते हैं इशूड एट पार। तो पहला केस है कि हमें वेंडर को पेमेंट करना है, तो वेंडर हमारा क्रेडिटर है, वेंडर को डेबिट कर देंगे, ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, हमने उसे जो भी शेयर इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स यहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पर हमें नंबर्स भी मेंशन करना है कि बीइंग डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस, जो भी उसकी फेस वैल्यू है, ऑफ रुपीस दिस मच ईच इशूड टू वेंडर, हमने वेंडर को शेयर्स इशू कर दिए। ये तो तब एंट्री हमें करना है जब हमने वेंडर को शेयर एट पार इशू किए हैं। अब हम वेंडर को शेयर्स प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, एट प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं शेयर्स तो फिर एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एंड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या दिखाएंगे, फॉर फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर शेयर्स की कैलकुलेशन में कोई पॉइंट में कैलकुलेशन आती है तो थोड़ा बहुत हम उनसे कैश में पेमेंट कर देंगे, और नरेशन लिख देंगे कि बीइंग डैश डैश शेयर्स ऑफ रुपीस डैश डैश ईच आर इशूड टू वेंडर एट अ प्रीमियम ऑफ डैश डैश रुपीज डैश डैश ईच, कि हमने वेंडर को शेयर इशू कर दिए हैं प्रीमियम पे। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि कैसे हमें पता चले कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं। हमें नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करना होगा और वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। वर्किंग नोट में छोटा सा वर्किंग नोट हम बनाएंगे और फेयरली इसे हमें ये फेयर कैलकुलेशन का पार्ट इसे भी करके दिखाना है। तो हमें कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, हमें निकालना है कि हम वेंडर को कितने शेयर इशू करें,
उसके लिए क्या हमें फॉर्मूला यूज करना है, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि वेंडर से हमने कितने पैसों में बिजनेस खरीदा या एसेट्स खरीदा है, उसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। मीन्स परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो हमें वेंडर को पे करना है। तो परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। इससे क्या निकल कर आ जाएगा कि हमें वेंडर को कितने शेयर इशू करने चाहिए। अब इसमें जैसे मान लीजिए एट पार का केस है, तो एट पार के केस में हमें वेंडर को कितने शेयर इशू करना है, यहां पर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट एट पार, अब एट पार के केस में देखिए हमें वेंडर को कितना पेमेंट करना रह गया था, 2.5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए बाकी है। 50,000 हमने नगद पे कर दिया, 50,000 नगद पे कर दिया है, 2 लाख रुपीज अभी भी हमें पे करना है। और शेयर का इशू प्राइस क्या है, मान लीजिए 100 रुपीज का शेयर है और हमें 2 लाख रुपीज पे करना है, तो इसका मतलब है कि हमें 2,000 शेयर्स, अगर हम 2,000 शेयर्स 100 रुपीज वाले इशू कर देते हैं तो वेंडर को पूरे 2 लाख की पेमेंट हो जाएगी। देखिए कैसे, 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपीज आ जाएगा, और हम यहाँ पर वेंडर को पेमेंट कर चुके हैं। यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, बीइंग 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड टू वेंडर। ये केस हो गया एट पार का। अब अगर हमने शेयर्स एट प्रीमियम इशू किए हैं, एट प्रीमियम इशू किए हैं और वेंडर को हमें कितना पेमेंट करना है, 2 लाख रुपीज। मान लीजिए हमारा शेयर 100 रुपए वाला, हमने 110 110 रुपए में शेयर इशू किया 10% प्रीमियम से। तो अब हमें प्रीमियम वैल्यू जोड़कर इशू प्राइस हमारा क्या हो गया, 100 रुपए नहीं, इंक्लूडिंग प्रीमियम 110 हो गया। तो 110 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, 0 से 0 काट दोगे, 1818.1818। अब आप देखें कि यहां पर कैलकुलेशन में पॉइंट में नंबर्स आ रहे हैं, तो पॉइंट में नंबर आने का मतलब क्या है, क्या हम किसी शेयर होल्डर को पॉइंट्स में शेयर दे सकते हैं या शेयर का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ कर दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है, पॉइंट से पहले के जो नंबर हैं उसके लिए तो हम नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर देंगे पॉइंट से पहले के नंबर के लिए, बट जो पॉइंट से बाद की संख्या है, ये पॉइंट से बाद की संख्या, उसके लिए हम वेंडर को कैश पेमेंट कर देंगे। देखिए इसे पुट करके मैं दिखाता हूं कैसे आपने करना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंप्लीट नंबर है उसे आप यहां पर 1818 शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस हमें कुछ कैश भी देना है, कैश कौन सा देना है, पॉइंट के बाद के नंबर 1818 मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1,99,980 आ जाएगा, ठीक है, जो कि अभी 2 लाख रुपए नहीं हुए, और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 20 रुपीज। इन दोनों का सम करेंगे तो 2 लाख रुपए की पूरी पेमेंट वेंडर को हो जाती है। आप यहां पर शेयर्स में क्या दिखाएंगे, 1818 × इशू प्राइस 100, कैपिटल में आप दिखाएंगे, ये कैपिटल में इशू प्राइस नहीं बल्कि शेयर्स की फेस वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1818 00 1,81,800। सिमिलरली आप प्रीमियम में कितना दिखाएंगे, 1818 × 10 रुपीज का प्रीमियम, तो 18,180। और बात आती है हमें कैश पेमेंट भी करना है, तो कैश पेमेंट में 1818
इंटू इशू प्राइस 110, ये आ जाएगा 20 रुपीज। अब अगर आप इसका सम करेंगे तो इसका सम इस टोटल 2 लाख के इक्वल आएगा। इस तरीके से वेंडर को हम प्रीमियम के केस में एक तो कैलकुलेशन करके मैंने बताई, जानबूझकर मैंने ऐसी अमाउंट लिया ताकि आपको कभी कोई पॉइंट में कैलकुलेशन आए तो आपको कोई डाउट ना हो कि कैसे हमें इसका सेटलमेंट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम स्टेटमेंट में लिख देंगे कि बीइंग 1818 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इशूड टू वेंडर एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 ईच। इस तरीके से हम इशू ऑफ शेयर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन केस का कैस हम ट्रीट करते हैं या हैंडल करते हैं। अब यहीं पर अगर मान लीजिए हमें वेंडर को शेयर इशू या प्रमोटर को शेयर इशू करने पड़े तो एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सपेंस को ड्यू करने की एंट्री, प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री में प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही अगर हमने अंडरराइटर को शेयर इशू किए हैं, अपने शेयर्स इशू करने का जो कमीशन देना उसे अंडरराइटिंग से अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। तो अंडरराइटर के केस में क्या होगा, पहले एंट्री आप ड्यू करोगे एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, ये तो हो गई ड्यू करने की। और अगली एंट्री में आप उसे शेयर इशू करोगे तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये इस तरीके से आप जैसा पार या प्रीमियम का केस है बिल्कुल ऐसे ही वहां पर आप इसे कर देंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया, हर कॉन्सेप्ट समझ आ गई है, तो आप चैनल को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें एनर्जी आती है कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज लेकर आएं। और अब इससे अगला पार्ट हम करेंगे कल, जिसका नाम है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो मिस ना करें, लास्ट तक देखें जरूर हर वीडियो को। गारंटी है कि आपको कोई डाउट नहीं अराइज होगा। ठीक है, तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।